नमस्कार दोस्तों, आर्यास डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने इसका देखिए एक बार गला तैयार किया है। तैयार करने के बाद अब गले की कटिंग करनी है। तो देखिए लंबाई इसकी 14 इंच ली है, नीचे से तैयार है। शोल्डर पट्टी यहाँ पर 2 ही इंच आएगी। गले की चौड़ाई आपको 3 इंच लेके कट कर लेना है। गले का शेप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं, चाहे वी गला, गोल गला या मटका गला, जो भी डिजाइन गला बनाना है इस तरह ले सकते हैं। बस चौड़ाई इसकी गले की 3 इंच रखना है, 3.5 इंच सॉरी चौड़ाई ली है। उसके बाद बुकरम पर इसको निकालना है। बुकरम पर निकाल लिया, उसके बाद अब इस पर गले की कटिंग होगी। तो इस तरह देखिए, अब गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और गहराई इसके लिए है 10.5 इंच। तो जो कपड़े पर गला बनाएंगे उसकी चौड़ाई गले की 3.5 इंच लेनी है, ताकि यहाँ पट्टी जो गला अब निकलेगी इस पर निकलेगी अंदर की तरफ से। तो इस तरह अब इसको कट करना है। गले को हमने सिंपल ही तैयार किया है। वो वाला गला आप कपड़े पर जो बना रहे हैं उसको सिंपल तरीके से पलट कर तैयार कर सकते हैं। उस पर कैनवास पेपर अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गला ये वाला आएगा। ये हमने बॉर्डर पर इसको निकाला है। तो ये देखिए बॉर्डर पर इस तरह से इसको पहले पेस्ट कर लिया, उसके बाद इसको कट कर लिया। तो ये बुकरम पट्टी बॉर्डर के वाले कपड़े पर लेते हुए इस तरह निकाल ली है। उसके बाद अब हमें इस पर पाइपिंग के लिए पाइपिंग पट्टी लेना है और गले वाली तरफ से इस पर पाइपिंग बना लेंगे। उसके बाद इस पर डिजाइने इसी बॉर्डर पर तैयार करें बनाएंगे, उसके बाद गले पर ये सेट होगी। तो जैसा कि हमने बताया, गले का शेप आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। ये हमने देखिए यहाँ पर राउंड शेप ही दिया है, थोड़ा सा गले की नीचे की तरफ चौड़ाई बढ़ाते हुए। अब देखिए इस तरह से पाइपिंग हमें निकाल लेना है। बराबर से एक बराबर से पाइपिंग इस तरह से निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल न्यू पैटर्न ये गले का आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह पाइपिंग बनाएंगे पहले, उसके बाद इस पर डिजाइनें बनाकर लगाना है। इसी पट्टी के ऊपर बुकरम डिजाइनें पहले लगाएंगे। तो देखिए ये हमने इस तरह से पाइपिंग इस पर बना ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गले का शेप है, जैसा इस पर है वैसे ही कपड़े पर है। अभी ये लेना है, यहाँ पर 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा लेना है और इस तरह देखिए इसको फोल्ड करना है। जैसा हम फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले एक बार ऐसे, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह से करते हुए इस पर सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो इसी तरह अब ये पूरे ये बुकरम पट्टी जो है पूरे पर ये डिजाइन लगेगी। तो पूरे के लिए जितनी लगेगी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये हमने देखिए तैयार कर लिया। अब इसको इस तरह से लगाना है। अब देखिए जो खुली वाली साइड है उसको नीचे की तरफ हमने किया है और एक बराबर से रखना है। पाइपिंग के बिल्कुल बराबर से मिला कर रख लें और इस वाली साइड से बिल्कुल किनारे से। तो इसी साइज का लेंगे तो ये बराबर से इस तरह आएगी और पूरे गले पर अब इसको इसी तरह से रखते हुए लगाना है। एक बराबर से रखते हुए देखिए पूरे गले पर इस तरह इसको लगा लेंगे। तो ये डिजाइन इस तरह से ये गला पट्टी पर लगा ली हमने। अब इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर ये सेंटर मार्क हमने किया था, थोड़ा सा और अच्छे से कर लिया। अब इसको इस तरह यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर चाहे पिन कर दें। ये देखिए हमने पिन कर दिया और अब इसको इस तरह से लगाएंगे। बराबर से मिलाते हुए पहले बराबर से मिला लेंगे, उसके बाद सिलाई की तरफ से लगाएंगे। बिल्कुल बराबर ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर पट्टी हमने पट्टी जो कपड़ा है थोड़ा बढ़ा कर रखा था ताकि कम ना आए, तो उसे बाद में कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल बराबर से सिलाई है, इस पर किनारे से डाल देनी है। यहाँ पर आएंगे तो पिन को निकाल लेंगे और पूरे पर सिलाई इस तरह लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने सिलाई लगाकर इसको सेट कर दिया। पट्टी जो थोड़ी बहुत ज़्यादा है इस तरह से ऊपर से हमने कट कर दिया। अब देखिए ये जो डिजाइनें लगाई है इससे हमें इस तरह से बनाते हुए एक एक करके मोती लगाते जाना है। अब इसको इस तरह से पलटना है और बिल्कुल बीचों बीच एक मोती इस पर लगाएंगे। सिलाई भी लगेगी और मोती भी लगेगी। मोती यहाँ पर देखिए चपटी वाली लेनी है। एक तरफ से ये पूरा गोल नहीं है, एक तरफ से हाफ ही है,
एक तरफ से गोल है, एक तरफ से चपटी है। गोल वाली भी लगा सकते हैं, ये वाली लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब पूरे पर देखिए इसी तरह से मोतियाँ लगा लेंगे, डिजाइन इसी तरह बनाते जाएंगे और मोती भी लगा लेंगे साथ में। तो इस तरह में ये डिजाइनें पूरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो गला आप गले ये डिजाइन बनाने के लिए आप गले का चाहे जो शेप दें, सिर्फ गले की चौड़ाई 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखनी है, क्योंकि ये पट्टी देखिए 1.5 इंच की लेंगे, ये अंदर से लगेगी तो चौड़ाई गले की फिर बराबर आ जाएगी। अब लास्ट में इसका डिजाइन बनाने के बाद लास्ट में इसका प्लेट्स बनाएंगे। अब दोनों प्लेट्स हमें बराबर से बना देना है। तो ये देखिए हमने दोनों प्लेट्स डाल दिया। अब यहाँ पर चाहे तो एक फ्लावर बनाकर इस तरह से लगा सकते हैं तो और प्यारा इसका लुक आ जाएगा। तो इस तरह का फ्लावर हमने कई बार बनाना बताया है तो हमने देखिए यहाँ पर बना कर लिया है। अब बीच में एक बटन रख दें, पाइपिंग हमारी रेड कलर की है और बॉर्डर भी इस पर जो लगाएंगे वो रेड कलर का रहेगा। तो रेड कलर की बटन लेंगे और फ्लावर के ऊपर लगा देंगे। तो पहले इस पर बॉर्डर लगा लें, उसके बाद उसे लास्ट में लगाएंगे। तो ये देखिए बॉर्डर यहीं तक रहेगा जहाँ तक हमने ये प्लेट्स बनाई है। अब इसको रखते हुए इस तरह से लगा देना है। साथ में देखिए ये हमने ये पोटली बटन ये रेड कलर के कपड़े से बना ली है, आप चाहें तो बटन भी ले सकते हैं। और इस तरह इसको पकड़ते हुए और दोनों पर सिलाइयाँ साथ में इस तरह लगाते जाएंगे। अच्छे से इसको लगा लेना है, फिर इसके चारों तरफ से मोती गोल्डन लगा देंगे तो थोड़ा और अच्छा आ जाएगा। तो ये लगाने के बाद अब इसमें मोती डालेंगे धागे में और चारों तरफ से इस तरह से मोती लगा देंगे इसके। अब जितनी आएंगी उतनी हमने डाल ली है। अब देखिए इस तरह इसको लगा देना है। अब यहाँ नीचे से सिलाई डाल दी, चारों तरफ से इसको पकड़ते हुए सिलाई डाल देंगे नहीं तो ये निकल जाएगी। उसके बाद इस पर 2 लटकन लगाएंगे। तो इस तरह लटकन लेंगे और इसमें भी हमने 3 या 4 मोती डाल रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, 3 या 4 ही मोती इस पर लगेगी। तो इस तरह देखिए डाल इसको लगा देंगे और दूसरी लटकन लेंगे और इसी तरह फिर हमें दूसरी लगा लेना है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लटकन नहीं रखना चाहते या फ्लावर या लटकन नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ डिजाइन में रहने दें, जितना आपको रखना है। डिजाइन के बाद वो फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं तो थोड़ा और अच्छा लुक आ जाता है। तो इसको देखिए इस तरह से लगा देंगे, दूसरी लटकन भी लगा देंगे। तो ये हमने देखिए दोनों लटकन लगा दी है, डिजाइन हमारा बन के तैयार हुआ, प्लेट हमने पहले ही बनाया था। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।